और हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अगर हम हिंदी भाषा में इन प्रार्थना के शब्दों को बोलना चाहते हैं तो हम हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर दिस ओपन इन्विटेशन टू आस्क एनीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस एंड रिसीव आंसर्स। यू हैव proven time and time again that it's your delight to answer my prayers and graciously grant my heart's desires. I know I have all I require for life and godliness, for you have already made them available to me in Christ, in Jesus' name. Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस खुले निमंत्रण के लिए कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ यीशु के नाम में और जवाब भी प्राप्त कर सकता हूँ। तूने समय और समय बारंबार साबित किया है कि तेरी इच्छा मुझ में है, मैं तेरे लिए प्रसन्नता हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को जवाब दे और अनुग्रह से भरपूर होकर मेरी मनोकामनाओं को पूरा करे। मैं जानता हूँ जो कुछ भी मुझे चाहिए, जो मेरे जीवन और भक्तिमय जीवन जीने के लिए चाहिए वो सब कुछ मुझ में मौजूद है, क्योंकि वो सब कुछ तूने जो जीवन और भक्ति के लिए ज़रूरी है वह सब कुछ तूने पहले ही से मेरे लिए उपलब्ध करके दे दिया मुझे मसीह के अंदर, यीशु नाम में आमेन। आज मनन करने के लिए जो वचन है हम पढ़ेंगे, मेडिटेट का जो वचन है जॉन 16 चैप्टर 23 वर्स से 24 वर्स, मैथ्यू 7 चैप्टर 7-8 वर्स। ये हिंदी में वचन ऐसे है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 23 वचन से 24 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार का 7 अध्याय 7 वचन 8 वचन। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो जॉन 16 चैप्टर 23-24 वर्सेस हम TPT वर्शन में से पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर विशेष वर्शन दिया है, TPT में से पढ़ना है, द पैरेलल ट्रांसलेशन। और मैथ्यू 7 चैप्टर 7-8 वर्स जो है वो हम हमेशा की तरह रेगुलर किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। और हिंदी में ये सारे वचन जब पढ़ेंगे तो सारे वचन इकट्ठे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जॉन 16 चैप्टर 23 वर्स 24 वर्स TPT वर्शन में से। ये पैशन बाइबल है, द पैशन बाइबल, द पैरेलल बाइबल नहीं, द पैशन बाइबल है। TPT वर्शन द पैशन बाइबल है, ये इसका फुल फॉर्म द पैशन बाइबल ऐसा है।
और देखिए यहाँ पर जॉन 16 चैप्टर 23-24 वर्स द पैशन बाइबल में से हम द पैशन ट्रांसलेशन में से हम पढ़ रहे हैं. फॉर हियर इज इटर्नल ट्रूथ व्हेन दैट टाइम कम्स यू वोंट नीड टू आस्क मी फॉर एनीथिंग बट इंस्टेड यू विल गो डायरेक्टली टू द फादर एंड आस्क हिम फॉर एनीथिंग यू डिजायर एंड ही विल गिव इट टू यू बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप विद मी. Until now, you have not been bold enough to ask the Father for a single thing in my name, but now you can ask and keep on asking Him, and you can be sure that you will receive what you ask for, and your joy will have no limits. Aur ek bar padhenge ise. जॉन 16 चैप्टर 23 वर्स 24 वर्स द पैशन ट्रांसलेशन में से हम पढ़ रहे हैं. फॉर हियर इज इटर्नल ट्रूथ व्हेन दैट टाइम कम्स यू वोंट नीड टू आस्क मी फॉर एनीथिंग बट इंस्टेड यू विल गो डायरेक्टली टू द फादर एंड आस्क हिम फॉर एनीथिंग यू डिजायर एंड ही विल गिव इट टू यू बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप विद मी. Until now, you have not been bold enough to ask the Father for a single thing in my name. But now you can ask and keep on asking Him, and you can be sure that you will receive what you ask for, and your joy will have no limits. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 23 वचन से 24 वचन BSI बाइबल में से. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 वचन 24 वचन. उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 23-24 वचन BSI बाइबल में से. उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. मैथ्यू 7 चैप्टर 7-8 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से. मैथ्यू 7 चैप्टर 7-8 वर्स. आस्क एंड इट शाल बी गिवन यू, सीक एंड ये शाल find, knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asks, for everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. हमने किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ा मैथ्यू 7 चैप्टर 7-8 वर्स. हम और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 7 चैप्टर 7-8 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे. आस्क एंड इट शाल बी गिवन यू, सीक एंड ये शाल फाइंड, नॉक एंड इट शाल बी ओपन्ड अनटू यू. फॉर एवरीवन दैट आस्क रिसीवेथ एंड ही दैट सीकेथ फाइंडेथ एंड टू हिम दैट नॉकेथ इट शाल बी ओपन्ड. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7-8 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7-8 वचन. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है
उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7:7-8 DSI बाइबल में से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। हम पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारा शरीर पिता परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर शैतान के कब्जे में खुदा परमेश्वर कोई ना कोई पीड़ाओं को सहन करता है, लेकिन तेरा वचन कहता है अगर हमने छुटकारा मांगा तो तू शैतान के हाथों में से हमको छुड़ाने के लिए सामर्थी है। हमारी आवाज़ को, हमारे ब्रेन को, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ को, हमारे शरीर के हर एक हिस्से को शैतान के चंगुल में से छुड़ाने की मैं तुझसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर। कोई पता नहीं, कोई परवाह नहीं परमेश्वर पिता, कितने दूरी तक शैतान ने हमारे शरीर को फंसा के रखा है। वी डोंट केयर अबाउट फादर गॉड, क्योंकि सारी जगहों से छुड़ा कर लाना तू जानता है, और हम तुझसे मांगते हैं आज पिता मनन करने वाले वचन के अंदर से इस बात को हम परमेश्वर विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद देते हुए कबूल करते हैं कि हमारा शरीर का तू रखवाला है। हमारे शरीर को उपद्रव से परेशान करने वालों के लिए तू जवाब है खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा शरीर निरुपद्रवी निष्कलंक है, प्रभु यीशु के लहू से धुल चुका है। इस शरीर के ऊपर पिता परमेश्वर आक्रमण लगाने के लिए जो भी बाढ़ा पिता कमज़ोर पाया गया और उसे तोड़कर शत्रु ने घुसपैठी करके इस शरीर को कमज़ोर करके उसके कब्जे में लेकर इसे नाश करने की ठानी है पिता, वो फल नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर तू कहता है मन फिराव करने वाले के लिए मैं अपने रास्ते उसके लिए खोलूंगा। हमारे लिए मन फिराव परमेश्वर तूने रखा है, और मन फिराव के द्वारा परमेश्वर हमारे रास्ते तूने खोल दिए हैं, और हमें आगे बढ़ने का रास्ता तूने दे दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई ताकत शैतान की शक्तियाँ, कोई भी परमेश्वर हमारे जीवन के विरोध लगाया हुआ शैतान का आक्रमण कहीं पर से भी खुदा परमेश्वर हमारे जीवन को कमज़ोर जानते हुए खुदा वहाँ से जो शैतान के शक्तियों को वो पिता हम तक पहुंचाना चाहता है वो पहुंचा नहीं पाएगा, और जो लोग उस पहुंचाने में शामिल है खुदा वो डिस्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। अब फादर गॉड वो स्कैटर कर दिए जाएंगे। ये निश्चित तेरा फैसला है खुदा परमेश्वर, उनकी यूनिटी टूट जाएगी और उनके काम करने के सारे तरीकों में कन्फ्यूशन तू डाल देगा, क्योंकि जैसा बाबिल का टावर तू नहीं चाहता था बनने के लिए, लेकिन मनुष्यों ने उसे बनाने की योजना युक्ति लगा दी थी और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। ये लोग बाबिल का टावर बना रहे खुदा। अब फादर गॉड हमारे शरीर को इस पृथ्वी के ऊपर से मिटाने के लिए हमें परमेश्वर एक एक इंतजाम लगा रहे हैं। अब फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं, ये बाबिल का टावर स्कैटर कर और इनके मुंह के सारे कामों को कंफ्यूजन से भर दे, और पिता परमेश्वर उनकी यूनिटी तोड़ दे नासरी यीशु के नाम में। इस काम में जितने लोग शामिल हैं स्कैटर हो जाए यीशु के नाम में। इस काम में जितने लोग हमारे विरोध करने के लिए हाँ में हाँ सम्मति हो चुके हैं, आई कमांड बी कन्फ्यूज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उनके अंदर के सारे भेद रहस्य जो इस काम में शामिल होने के लिए उनके अंदर है, उस यूनिटी को हम तोड़ देते हैं नासरी यीशु के नाम में, और हम आज़ाद हो जाते हैं। हम पूरे विश्वास के साथ तुझे कहते हैं खुदा
तू बलवान है और तेरे मुट्ठी में से हमको छुड़ा लेना मुश्किल है। अबा फादर गॉड, तेरे मुट्ठी में हम है खुदा, तू हमारी शहरपनाह है खुदा, तू हमारा रफ्यूज है खुदा, तू हमारा अगवा करने वाला है खुदा। हमारा फाइनेंस, हमारे रिश्ते, हमारा जीवन इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर तूने लाभदायी बनाया है। हमारा समय खुदा कितना भी आगे क्यों ना जाए खुदा, हम हमेशा तेरे राज्य को बढ़ाने वाले रहेंगे। इस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा कि यीशु के आगमन तक तूने हमको यहाँ पर रखा है खुदा, यहाँ से कोई हमें मिटा नहीं सकता है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा, ना बल से ना ताकत से, परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा शैतान के प्लान्स को मैं रद्द करती हूँ, शैतान के हथियार को मैं तोड़ देती हूँ, जो हमारे मन बुद्धि सोच समझ को वो अपनी ताकत लगा कर बंद करके रखना चाहता है, उसके ऊपर आज मेरे खुदा तेरा आक्रमण आ जाए और वो हथियार टूट के गिर जाए और शैतान समझ जाए कि परमेश्वर का हाथ हमारे अंदर मौजूद है। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी आवाज़ सुन ना पाए ऐसी अवस्थाएं जो लगा के रखा है हमारे कानों में, पिता हम तुझे सुन नहीं पाएंगे, ऐसा जो एयर प्लग्स हमारे कानों में डाल दिया गया है, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को तेरी आवाज़ ना सुनने का शत्रु का परमेश्वर काम लगाया गया है। सब कुछ खुदा नासरी यीशु के नाम में ऐसा उखाड़ दे खुदा, ऐसे ताकत सामर्थ से उखाड़ दे खुदा परमेश्वर, कि हम भी पिता परमेश्वर तेरे गुण गाते गाते ना थके। अब फादर गॉड, हम पिता परमेश्वर हम तुझे बिनती करते हैं, चमत्कार कर हमारे जीवन में। तूने कहा मांग तो तुझे मिलेगा, हम मांगते हैं चमत्कार को, शत्रु के हाथों से हम पिता परमेश्वर उसकी योजनाओं को रद्द होता हुआ मांगते हैं, हम रद्द होता हुआ मांगते हैं, उसकी मनोकामनाएं खत्म होती हुई मांगते हैं, उसके चेले, उसके एजेंट्स, उसके महारथी, उसके जो भी याजक है, हकीम है, जो भी दुष्टता के जगत के उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट से, वो सब कुछ तितर पितर हो जाए अपनी अपनी जगह से। आई डोंट केयर तू कौन है, आई डोंट केयर, एट द लास्ट तू मनुष्य है और तू मेरे परमेश्वर के जानकारी में है, तू मेरे परमेश्वर के दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। आई डोंट केयर तू कौन नाम से जाना जाता है, मुझे कोई परवाह नहीं तू किस काम से जाना जाता है, ये मेरा परमेश्वर तेरे शरीर के ऊपर आक्रमण लाएगा और मुझे तेरे चंगुल में से छुड़ाने की ताकत रखता है वो, क्योंकि जिसके हाथों से मेरे परमेश्वर जिस हाथ से मुझे उद्धार दिया है वो हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। रिबांत अश्कर खतीन रपहांतर हास्सा लहपा खतीन रपह कासिया दुखम्बा आसेल रपहास्सा। वो जानता है कहाँ से मेरे लिए किसने प्रार्थना करना है, वो जानता है कहाँ से मेरे लिए कौन आकर मेरी सेवा करना है, वो जानता है कहाँ से आकर मुझे रास्ता बदल कर निकल जाना है, वो जानता है भाई, जानता है। हालेलुया, मूर्खता है तेरी ये। हालेलुया, मेरा पीछा करना मूर्खता है तेरी। हालेलुया, मेरा पीछा करना मूर्खता है तेरी। हालेलुया, मेरा पीछा करना मूर्खता है तेरी। हालेलुया, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से, मेरे पिता परमेश्वर, मैं इस इंसान को जो मेरा प्राण का खोजी बन गया है, मेरे यीशु के नाम में मैं उसे माफ कर देती हूँ और मैं जानती हूँ उसकी मूर्खता है ये, क्योंकि वो अपनी अकल खो चुका है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया, मेरे परमेश्वर मैं उसके राज्य की नहीं हूँ, उसके अकल में ये भेद नहीं है खुदा, क्योंकि वो तेरी नहीं मानता है, इसके लिए खुदा परमेश्वर उसके अकल में ये भेद नहीं है। अगर फिरौन के अकल में तूने ये भेद रखा होता तो फिरौन इसराइल का पीछा नहीं करता। तूने कहा जो तेरी आवाज को मान लेता है उसके अंदर बुद्धिमानी है, लेकिन जो नहीं मानता वो मूढ़ और मूर्खता करता है और अपने ही प्राण का नाश करने वाला बन जाता है। मेरे खुदा, फिरौन खुद अपने पैरों से चल कर गया और वो उस लाल समंदर में जाकर डूब गया।
अबा फादर गॉड, हम तुझे विनती करते हैं, ये इंसान हम मांगते हैं कि इसके अंदर की मूर्खता का अंजाम इसका नाश होने वाला है। अबा फादर गॉड, हम विनती करते हैं कि इसके ऊपर अनुग्रह का आत्मा दे, इसकी मूर्खता बंद कर ये तेरी आवाज़ समझ पाए, तेरे रहस्य भेद ये समझ पाए, और परमेश्वर हम विनती करते हैं उद्धार के साथ उसको नया जीवन प्राप्त हो। अबा फादर गॉड, हम पिता यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान हम उसके लिए पिता तेरे सामने ऊंचा करते हैं, उसके अपराध माफ कर और उसके गलती गुनाहों को माफ कर और उसे परमेश्वर नया सीरा नए मनुष्य में उसको पिता शामिल कर, तेरे राज घराने के याजक पद में उसको शामिल कर। मैं तुझसे विनती करती हूँ नासरी यीशु के नाम में, मैं उस इंसान को आशीषित करती हूँ जो खून का प्यासा है, 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 मैं उसके अंदर परमेश्वर के आत्मा के काम को होने के लिए मांगती हूँ खुदा। अबा फादर गॉड, वो चाहे शूटर रहे, वो चाहे जादू करने वाला रहे, चाहे टोना करने वाला रहे, चाहे कोई भी महारथी महायाजक हो, कोई भी शैतानी जगत का, आई डोंट केयर, हे शैतान के एजेंट, तो एट लास्ट मेरे परमेश्वर के बनाई हुई कृति है, तो कहाँ बच के जाएगा। हालेलुया। रबंद आशकर खतीन रबा अकासे हे खतीन रबा हांतरा हस्सा लहदुल रहा अकासिया खूब रखा सियांतुरा। आई डोंट केयर तेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है तू कितने आगे निकल चुका है। आई डोंट केयर तूने कितना समय बिताया है मेरे पीछे। आई डोंट केयर क्योंकि मेरा परमेश्वर बाबेल टावर को बनने नहीं दिया, वो तेरी योजनाओं को मेरे पीछे चलने नहीं देगा। कम ऑन, तेरा उद्धार निश्चित है, मेरा परमेश्वर मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा करता है, और मैं तुझ पर भविष्यद्वाणी करती हूँ यही तो जो मेरा प्राण का पीछा कर रहा है, तू मेरे सामने परमेश्वर के आगे घुटना टेका हुआ मैं देखूंगी, और मेरा परमेश्वर तुझे उसके सेवा में उठाएगा, वो तुझे शाऊल का पौल बना देगा। तेरे काम खत्म हो चुके हैं, तेरे काम खत्म हो चुके हैं, तुझे इसके लिए परमेश्वर ने मेरे पीछे लाया, इसके लिए तूने तुझे मेरे परमेश्वर ने मेरे पीछे लाया कि तू मुझे सताएगा और तू मेरे ही कारण परमेश्वर का उद्धार देखेगा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारे सताने वालों को हम आशीषित करते हैं, क्योंकि उनके सताने के कामों के कारण हमने तेरे पास दोहाई लगाई, और तूने उनको जो परमेश्वर है, तू परमेश्वर है, तूने उनके ऊपर प्रकट किया। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने कुछ भी व्यर्थ नहीं है खुदा, तू कोई समय हमारा व्यर्थ नहीं रखा है खुदा, तू हमारे जीवन का कोई भी हिस्सा व्यर्थ नहीं रखा है, जो कुछ हमने परमेश्वर बिताया है तेरे राज्य के अंदर वो फलदाई है खुदा, वो फलदाई है, उसमें से सब कुछ भलाई को उत्पन्न करना तू जानता है खुदा, तू हमारे अंदर से भलाइयों को बाहर ला रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, चाहे वो पिता शूटर क्यों ना हो, चाहे वो जादू वाला क्यों ना हो, चाहे वो टोने वाला क्यों ना हो, चाहे वो महारथी और महायाजक क्यों ना हो शैतान के जगत का, वी डोंट केयर, तूने परमेश्वर हमको उसके सामने इसीलिए लाया ताकि निर्बलों के अंदर से, कमजोरों के अंदर से हमारा परमेश्वर काम करता है ये तो दिखा सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस काम में खुदा तूने मुझे निर्बल और कमजोर देखा और मेरे अंदर से अपनी शक्ति को बहाया और तूने ये प्रार्थनाओं को रिलीज किया ताकि परमेश्वर वो लोग जान सके कि उनके ताकतों का सामना मसीह के अंदर कमजोर इंसान भी कर सकता है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं पिता, ना बल से ना ताकत से परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा तूने मेरे शत्रुओं को, तूने मेरे विरोध आने वाले मेरे प्राण के खोजियों को पलट कर पिता परमेश्वर उन एजेंट्स को उनके हाथों से छुड़ा लिया है और परमेश्वर तेरे उद्धार में उनको ले लिया है। थैंक यू फादर गॉड, सारा किया कराया मैं नासरी यीशु के नाम में जला के नाश कर देती हूँ। हर प्रकार के मौसम और प्रहर, जो दिन और जो दोपहर रात शाम, जो भी शैतान ने हमारे विरोध में पकड़ के रखा है, जो समय घड़ी का कांटा रोक कर हमारे लाइफ में बोया गया है, जो कुछ भी हमारे खिलाफ किया
किया गया है। नासरी यीशु के नाम में मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। हम तेरे लिए नहीं है शैतान, हम कमजोर में से परमेश्वर की शक्ति का काम देखने वाले लोगों में से है। हालेलुया, तूने देखा हमारे जीवन की कमजोर अवस्था और तूने तेरे एजेंट्स की महारथी लगा दी, लेकिन मेरा परमेश्वर तेरे लिए इंतजार किया ताकि तेरे महारथियों को तेरे हाथों से छुड़ा सके। हालेलुया, इसके लिए उसने हमको इस्तेमाल किया और तुझे बताने के लिए कि तेरा काम उन लोगों से, इन कमजोरों के ऊपर हो नहीं सकता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक नोटबुक्स में से लिखे गए शैतान के काम खत्म कर, हर एक डायरी में लिखे गए शैतान के अक्षर खत्म कर दे। हर एक पिता परमेश्वर हमारे घर के ऊपर लगाया गया छापा खत्म कर, हमारे घर के अंदर छिड़के गए शैतान के काम खत्म कर। अब फादर गॉड इस घर को लोकेट करके जो कुछ भी किया गया है खत्म कर, खत्म कर, खत्म कर, खत्म कर। और पिता परमेश्वर हम शैतान के लिए बलिदान नहीं है, हम तेरे राज्य के लिए आगे काम करने के लिए निकले हैं और हम आगे काम करते जाएंगे खुदा। हम बिना थके बिना रुके हम तेरे ताकत को लेकर हम लोगों को बचाने का काम करते जाएंगे खुदा। हम इस बात को हियाव में लेते हैं खुदा, हम बोल्डली इस बात को अपने अंदर कबूल करते हैं खुदा कि हम ना बल से है ना ताकत से है पर तेरे आत्मा के शक्ति से हम चल रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारा सामना करने वाला वो परमेश्वर के आत्मा के शक्ति का सामना करता है। हालेलुया, हमारा सामना करने वाला वो परमेश्वर के आत्मा के शक्ति का सामना करता है और जिसका हम सामना करते हैं वो परमेश्वर का आत्मा का शक्ति सामना करता है। हालेलुया, रबांत आशकर खतीन रबा अखासिया खूब रहा बर्रे खतीन रब आकाशिया लर बहा खासा लरे बे खतीन रब आकाशिया लर बहा खासिया तू खम्बाहसा। मेरे खुदा परमेश्वर तेरे पवित्र स्वर्ग दूतों का आज़ादी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ना बल से ना ताकत से पर तेरे आत्मा के द्वारा खुदा हमारे रास्ते तूने सीधे कर दिए है, हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दिए है, हमारे खार गरजने वाले शेर के सिंह के मानिंद गरजने वाला शैतान जो फाड़ खाने के लिए ढूंढ रहा है उसके हाथों से तूने हमको छुड़वा लिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू अपने लोगों को छुड़ाने का रास्ता बना चुका है। थैंक यू फादर गॉड, बीमार में से हटाने का, गरीबी में से हटाने का तूने रास्ता बना दिया है। मेरे खुदा परमेश्वर नाकामयाबी में से हटाने का तूने रास्ता बना दिया है। तूने परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर विपत्ति, हर एक संकट, हर एक दुख दर्द में से हमारा रास्ता छुड़वा कर लाने का तूने परमेश्वर काम कर दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे ऐसे प्रार्थनाएं हमारे लिए तू बोया जा रहा है खुदा जो हम भी नहीं सुने कभी, ऐसे ऐसे काम हमारे लिए किए जा रहे हैं खुदा, ना बल से ना ताकत से पर तेरे आत्मा से किए जा रहे है हमारे लिए। ऐसा ऐसा परमेश्वर तो अवस्था को तैयार करके रखा है कि हमारे प्राण तक पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारा प्राण तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित है, हमारा घर तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित है, हमारा मन, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा सब कुछ कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस प्रभु यीशु तेरे लहू में सुरक्षित है। हम धन्यवाद करते हैं ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करते रहेंगे और हम कभी नहीं डगमगाएंगे। थैंक यू फादर गॉड, दिला बाखा से एक है तीन अरब हका सा और दाना मखा शरद एक है सीला अरब हका सा। हमेशा ही तो परिपक्वता का परमेश्वर प्रसन्न करता है। अब फादर गॉड हम में तो परिपक्वता लाने के लिए खुदा हमें इस माहौल में से चलाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई परवाह नहीं शैतान का ट्रैप था, कोई परवाह नहीं खुदा कि शैतान के किए कराए काम थे जो हमें यहाँ पर लैंडिंग किया है,
कोई परवाह नहीं खुदा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ भलाई में बदलना जानता है। कोई परवाह नहीं कि हमारा कितना और क्या खो गया है, सब कुछ रिस्टोर करना तुझे आता है मेरे परमेश्वर। कोई परवाह नहीं खुदा परमेश्वर कितने दाग और धब्बों के साथ हमको यहाँ जीना पड़ा है। आई डोंट केयर, क्योंकि सब कुछ को बदल देने का सामर्थ्य तेरे पास है खुदा। कोई परवाह नहीं हमारे बारे में कितनी गंदी चर्चाएं और कहां कहां पर क्या क्या कहा जा रहा है। वी डोंट केयर, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी स्टोरी बनाना जानता है। और रबा खास खतकिन ब अश्कर खतीन रबहांतर हासा, वी डोंट केयर। हमारे ऊपर ये शैतान के छिड़के काम नहीं कर सकते हैं। शैतान के कोई भी हाथापाई हमसे काम नहीं कर सकता है। हम पर कोई भी लाठी शैतान की काम नहीं कर सकती है। कोई चादर हम पर काम नहीं कर सकता है। कोई जरिया, कोई भी हिस्सा शैतान का हमारे साथ कनेक्टेड रुक नहीं सकता है। हालेलुया, क्योंकि यहाँ परमेश्वर मौजूद है। हमारा जीवन परमेश्वर है। हमारे जीवन का हक परमेश्वर के अधीन है। हमारा सारा सब कुछ परमेश्वर है। हमारे हर हिस्से का जिम्मेदार हमारा परमेश्वर है। वो अपना मुंह कभी हमसे नहीं मोड़ेगा। उसका वचन कहता है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, जगत के अंत तक वो मेरे साथ है। जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। हालेलुया, और वो इसी के लिए हमारे साथ है क्योंकि वो जानता है हमारा बैरी है, हमारे बैरी जो हमारा प्राण का खोजी है। रबाखा तालाबाखा से कतीन रबाखा से हितील रबाखा सा, मेरा समय खत्म नहीं हुआ है शैतान। तूने मेरे लिए एंड टाइम रखा है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने वहीं से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट शुरू किया है। तो डोंट वरी, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे खत्म करने का। तेरे पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है मेरे ऊपर चढ़ाई करने का। तू निकल, अपने रास्ते से खत्म हो गया है। तू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड यू। तेरे कोई बीमारी, तेरे कोई हथियार हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकते हैं। तेरे कोई भी शब्द हमारे पर से रुक नहीं सकते हैं। हमारे अंदर कोई तेरी शक्ति तेरे काम करने के लिए रुक नहीं सकती है। तेरे काम मैं अब भी एक्सपायर कर देती हूँ, और मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में तेरे शक्तियों का कमांड कर दिया, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड यू। रदाला बखा से खतकिन बरा अल्ला रबहा कसा ओदाना मखा शरबे के सेरिला रबहा कसा। हमारे अंदर, हमारे जीवन के कोई हिस्से, कोई दायरे, चाहे वो घर रहे, परिवार रहे, हमारे रिश्ते रहे, नाते रहे, या कुछ भी हमारे फैसले रहे, ऐ शैतान कोई अधिकार नहीं तेरा। तेरा कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर, कोई अधिकार नहीं। तो झूठा है, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है हमारा कुछ भी चलाने का। तेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तो इल्लीगली अतिक्रमण कर रहा है हमारे जीवन के ऊपर। तेरे अतिक्रमण का जवाब मैंने तुझे दे दिया है। मेरा परमेश्वर तेरा जवाब है। रबाखा से खतकिन ब अश्कर खतीन रबहाता लरहासा। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, जो लोग हमको यहाँ से निकाल देना चाहते हैं, जो लोगों की मनोकामना है खुदा परमेश्वर कि हम यहाँ से, पिता परमेश्वर, हम यहाँ से हकाल दिए जाए। ऐसा जिसका मनोकामना है खुदा, उसके मनोकामना को तू फेल कर खुदा। उसके अंदर का जो ये परमेश्वर दुष्ट शक्ति ने उसको दिया हुआ इरादा है खुदा, उसको हमारे सामने घुटनों के बल ला खुदा। और वो परमेश्वर पिता हमारे यहाँ रुकने के लिए खुदा परमेश्वर, हमारा इस जमीन में रुकने का परमेश्वर वो कारण बनेगा, क्योंकि उसको तेरी जरूरत रहेगी। अब फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो इस शहर के अंदर से हमको उखाड़ने की कोशिश करेगा खुदा। यह शहर के लिए वो पिता परमेश्वर, वो खुद परमेश्वर के काम के लिए ठहराया जाएगा। वो मेरे परमेश्वर के गुलामी के लिए खींच लिया जाएगा। रिबांत आश्कर खतीन रबहा कसा, जो हमारे इस घर के विरोध में अपने फाउंडेशंस लगा रहा है कि वो ये घर का कब्जा लेगा, वो ये घर को खींच लेगा, वो ये घर को हमारे हाथों से छुड़वा लेगा, वो नाकामयाब हो जाएगा।
थैंक यू फादर गॉड, वो नाकामयाब हो जाएगा। कोई हिस्सा, कोई घर, कोई परिवार हमारे साथ कनेक्टेड जो है वो कोई छीन नहीं सकता है। अब फादर गॉड, तू अपने स्वर्ग दूत के सेना के साथ यहाँ मौजूद है और शत्रु के साथ क्या करना है तेरी बुद्धि तेरे आत्मा के द्वारा हम में रिलीज हो चुकी है। तेरा ज्ञान तेरा समझ हम में मौजूद है, तेरा आत्मा उसका इस्तेमाल कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, हम कोसों दूर निकल चुके हैं जहां शैतान पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया, हम कोसों दूर आ चुके हैं जहां पर शैतान की आवाज पहुंच नहीं सकती है। हालेलुया, ये इतना दूर हो चुका है खुदा परमेश्वर कि शैतान का किया कराया हम तक उसका कोई असर नहीं पहुंच रहा है। थैंक यू फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं, ना बल से ना ताकत से परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा आज का मनन करने वाला वचन हमको यही कहता है, हियाव के साथ हमने तुझे मांगना है। अभी तक हियाव के साथ हमने मांगा नहीं था, यही प्रार्थना हियाव के साथ मांगी हुई प्रार्थना है और तेरा वचन कहता है मांग तुझे मिल जाएगा। मैंने मांग लिया, मुझे मिल गया। हालेलुया, मैंने खटखटाया, मेरे लिए खुल गया और मैंने ढूंढा और मुझे प्राप्त हो गया। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरा वायदा सच्चा है खुदा, तेरा वायदा सच्चा है यीशु। रिबांत आश्कर खतीन रहासा, यही जगह में मैं एक बहुत बड़ा महान मिरेकल तेरा करूँगी खुदा। मैं यही जगह में लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाएगी, लोगों की आंखें देखते रह जाएगी, कभी नहीं सुना कभी नहीं देखा ऐसा महान काम मैं यही भूमि के ऊपर मैं करके पिता तेरा नाम ऊंचा करूंगी। हालेलुया, ओ बारा 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 खतीना रब हो खता न महासियाल रुबह कसा बारे खतीना अबुर खल रहा अधीना माशारा खा सियान दुगा बहसा। अनाथों का परमेश्वर तू है, विधवाओं का परमेश्वर तू है, बेसहारों का परमेश्वर तू है। हालेलुया, अनाथों का परमेश्वर तू है, विधवाओं का परमेश्वर तू है, बेसहारों का परमेश्वर तू है। इस शहर के अंदर से तू मुझे मिटाने के लिए नहीं, तू मुझे रोपने के लिए आया है। इस शहर के अंदर तू मुझे पिता परमेश्वर गाड़ देने के लिए नहीं, मुझे खड़ा करने के लिए आया है। हालेलुया, ये शहर के पनाह मेरे खुदा परमेश्वर तेरे कारण मैं यहाँ पर पूरी तरह से चौकसी के साथ तेरे काम करने में इस्तेमाल करूंगी। रबांत आशकर खतीन रबा आकाशिया लरबा कसा लहद उल्ल रहा आकाशिया खूब रहा सा। मैं तुझे वायदा करती हूँ खुदा परमेश्वर, मैं हर वो बात को मांगते रहूंगी इस जमीन पर बैठकर, जो भी तू इस शहर को देना चाहता है मैं उन बातों को तुझसे प्राप्त करूंगी और मैं तुझसे मांगती रहूंगी। मैं तुझे वायदा करती हूँ खुदा, मुझे इस जमीन से उखाड़ मत, मुझे इस जमीन से अलग मत कर खुदा। रबांत आशकर खतीन रबा अखासे है कतीन रबहांतरा, यहाँ के लोग उद्धार में आए, मैं प्रार्थना करने में मैं तेरे साथ संगति में मैं समय लगाऊंगी खुदा। रबांदाश कर बखातीन रबहांतरा, मैं तेरा अभिषेक का डेरा बनने के लिए तैयार हूँ खुदा, मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूँ खुदा, मुझे तो जो काम कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ खुदा। अब फादर गॉड, मैं तुझसे वायदा करती हूँ, मेरा जीवन तेरे लिए है। ये जमीन के ऊपर अगर मैं श्वास ले रही हूँ खुदा, वो श्वास केवल तेरे काम करने के लिए है खुदा। मेरे पैर गढ़ों में से बाहर निकाल, मेरे हाथ गढ़ों में से बाहर निकाल, मेरा बदन गड़हे में से बाहर निकाल, मेरे मम्मी को मुझको गड़हे में से बाहर निकाल। मैं नासरी यीशु के नाम में विनती करती हूँ, जो हमारे पिता कब्र में जाने का इंतजार कर रहा है उसकी मनोकामना को तोड़ और हम यहीं पर उसको उद्धार में लाने के लिए कामयाब हो जाए नासरी यीशु के नाम में। रिदा नमक अखसे हिकतीन रहा, यहाँ पर पिता तेरा डेरा बनने के लिए, तेरा डेरा बनने के हम बिनती करते, ये घर के छत जमीन दीवार तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो, तेरे काम के लिए तेरा नाम ऊंचा करने के लिए परमेश्वर ये घर इंतजार कर रहा है खुदा, ये घर का उद्धार इंतजार कर रहा है परमेश्वर कि ये तेरे लिए समर्पित हो जाए खुदा, ये घर तेरे दास और दासियों के सेवा का इंतजार कर रहा है खुदा, ये घर परमेश्वर
परमेश्वर अनाथों के लिए आश्रय होने के लिए इंतजार कर रहा है, बेसहारों के लिए आश्रय होने के लिए, विधवाओं के लिए सहायता होने के लिए ये घर तेरा इंतजार कर रहा है खुदा। इस घर के ऊपर अपने पिता परमेश्वर नजर लेकर आ, अपनी रखवाली का कवच बाढ़ा लगा दे, इसको तो अपने ऑथोराइजेशन में ले खुदा, इसके कागजात है तू पूरे कर खुदा, इसके अंदर के गड़बड़ियां मिटा दे खुदा, इसके अंदर के श्राप मिटा दे खुदा, इसके अंदर जो भी खुदा जो तेरे विरोध किया हुआ अपराध है जिसके कारण इस बिल्डिंग में रहने वाला हर एक इंसान वो दोषों का शिकार हो चुका है और वो पीड़ाओं का शिकार हो चुका है और वो एक बलिदान को चाहता है जो उनको इस पीड़ाओं में से बचा सकता है, लेकिन मेरे खुदा शैतान झूठा है, वो उनको मनुष्य बलिदान दिखा रहा है, ये नहीं खुदा परमेश्वर, यीशु मसीह उनके लिए बलिदान हो चुका है। अब फादर गॉड उनके दृष्टि को हमारे ऊपर से हटा दे, वो हमको बलिदान ना कर पाए खुदा, वो शैतान को हमें चढ़ाने ना पाए खुदा, हमारे लिए पिता परमेश्वर उनकी आंखें खोल और उनको भेद बता कि उनका बलिदान यीशु मसीह चढ़ा चुका है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा, इस बिल्डिंग का गैर व्यवहार खत्म कर खुदा, इस बिल्डिंग का गैर व्यापार बंद कर दे खुदा परमेश्वर, इस बिल्डिंग का गैर उपयोग तू परमेश्वर बंद कर दे, ये बिल्डिंग दुष्ट आत्माओं के शक्तियों का डेरा बनने मत दे, दुष्ट काम करने वालों का ठिकाना बनने मत दे खुदा, यहाँ पे शैतान के हथियार आके रुकने वाला डेरा बनने मत दे खुदा, मेरे खुदा ये जगह ये जमीन शैतान के हथियार के लिए पिता असह्य यातनाओं से भरा जाए, असह्य पेनफुल हो जाए खुदा परमेश्वर, वो हथियार यहाँ काम करने ना पाए, वो डेरा यहाँ पे काम करने ना पाए खुदा। अब फादर गॉड अपनी ताकत उंडेल मेरे ऊपर खुदा, अपनी ताकत उंडेल कि मेरे कारण खुदा ये बिल्डिंग के अंदर शैतान के हथियार रुकने नहीं पाएंगे। अब फादर गॉड मेरे ऊपर अपने ताकत को दे खुदा परमेश्वर, मेरे ऊपर अपने आकाश मंडल के अंदर से पिता रास्ता खोल के मुझे दे, मेरे लिए खुदा परमेश्वर मैं इस जमीन के सारे इश्यूज डिस्प्यूट्स खुदा खत्म होने के लिए मांगती हूँ खुदा, ये जायज बने खुदा परमेश्वर, इसके अंदर के दोष अपराध माफ हो जाए खुदा, और इसके अंदर से जितने लोगों की हानि कर रखी है खुदा वो भर कर दी जाए खुदा परमेश्वर। अब फादर गॉड गलती गुनाहों के अंदर से ये बिल्डिंग के जड़ को निकाल खुदा परमेश्वर, गलती गुनाहों के अंदर से मरे हुए लोगों के हर गुनाहों के अंदर से खुदा हमारे बिल्डिंग को श्राप अपराधों के अंदर से खोल दे खुदा, खोल दे, खोल दे खुदा, खोल दे, अब खोल दे, कुछ तो तैयारी कर खुदा कि यहाँ के लोग बचा लिए जाए, अब कुछ तैयारी कर खुदा, कुछ तैयारी दिखा तू अपनी ओर से खुदा परमेश्वर, कुछ तो चाल दिखा अपनी ओर से मेरे परमेश्वर कि हम इस जगह में तेरा काम पूरा कर सके, हम इस जगह में तेरा काम पूरा कर सके, कुछ तो काम दिखा अपना खुदा कि हम उसको देख के समझ सके कि कुछ हो रहा है यहाँ पर, हमारे परमेश्वर के द्वारा कुछ हो रहा है, हमें चौंका देने वाला ऐसा हथियार परमेश्वर पिता तू मुझे बना पिता परमेश्वर, हमें पिता हैंडल करने नहीं आएगा इस प्रकार का हथियार तू मुझे बना खुदा, ओ मेरे खुदा परमेश्वर शत्रु हैंडल नहीं कर पाएगा ऐसा हथियार तो हमें बना खुदा परमेश्वर। रबांत आश्कर खतीर रब आकाश से हिकत किन बहासा, तूने कहा था एलिशा को कि देख तेरे लिए बाल देवता के सामने घुटने नहीं टेके, ऐसे लोगों को मैंने तेरे लिए बचा के रखा है, मेरे लिए बचा के लोगों बचाए रखे लोगों को आजाद करके मेरे पास पहुंचा खुदा, मुझे उनके झुंड में इकट्ठा कर खुदा, मेरी ताकत बढ़ा परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ मेरे जगह जमीन की ताकत बढ़ा, ये जमीन खून की प्यासी नहीं
होनी है हमारी, ये जगह खून का प्यासा नहीं बनना है हमारा। मेरे खुदा, कोई परवाह नहीं हमारे घर के अंदर कौन आता है कौन जाता है, वी डोंट केयर। यहाँ स्वर्गदूत मौजूद है, उनके हथियार काम नहीं करेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, कोई परवाह नहीं किसकी गर्दन तोड़ी गई मरोड़ी गई, वी डोंट केयर, क्योंकि हमारा परमेश्वर गर्दन जोड़ना जानता है। अब फादर गॉड, कोई परवाह नहीं कौन सा हथियार और किस प्रकार की मौत हमें देने का शैतान ने इंतजाम किया है, उसको गिरा देना परमेश्वर जानता है। हालेलुया, वी डोंट केयर। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारे सामने ना बल ना ताकत पर तेरा आत्मा मौजूद है जो सब कुछ में से हमको पार करा चुका है। हालेलुया, हम परमेश्वर मौत के पार हो चुके लोग हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम शाऊल के पौल बने हुए लोग हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर घुटना टेकने वालों में से हम भी है खुदा, हम अपने घुटना टेक चुके लोग हैं खुदा। और हम परमेश्वर इस समय भी खुदा अपने घुटने को टेक कर तेरा आदर करते हैं, और तेरा आदर करने वाला कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर से मिटाया नहीं जाता है। हालेलुया, जीवितों के बीच में तू हमारी महिमा करेगा। हालेलुया, तू अपनी गवाही बनाएगा हमारे अंदर से कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ना दिसंबर, ना जनवरी, ना फेब्रुवरी, ना 2021 का एंड और ना 2022 का बिगनिंग और एंड, कहीं पर भी शैतान का हथियार हमारा इंतजार नहीं करने देगा तू। धन्यवाद करते हैं, ना 25, ना 24, ना 20, ना कोई भी जगह में शैतान का हथियार तू कामयाब होने के लिए रुकने नहीं देगा। एंड आई थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद मेरे खुदा, रोज के दिन तू वो हथियार का मुकाबला करके गिराता है। कितना प्यारा परमेश्वर है तू। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं, रोज के दिन तू वो हथियार को दिखाता है हमको और तू बोलता है इसको गिरा दे, और हम उसे गिरा के आगे जाते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं अबा फादर गॉड। हमारा अभिषेक में ऊंचा उठना आ चुका है खुदा, हमारा अभिषेक में ऊंचा उठना आ चुका है खुदा, हमारा अभिषेक में ऊंचा उठना हो चुका है खुदा, हमारा अभिषेक में ऊंचा उठना जीवितों के बीच में दिखने लगा है खुदा, जीवितों के बीच में दिखने लगा है खुदा। तू हमारा परमेश्वर है, जीवितों के बीच में दिखने लगा है खुदा। अनदेखा परमेश्वर का हाथ, बलवंत हाथ हमारे ऊपर है, जीवितों के बीच में दिखने लगा है। हालेलुया, इतना प्यारा मेरा परमेश्वर है, इतना सहज रीति से हमको परमेश्वर अपने हाथों में संभाल के रखता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, ये तेरा क्रूस का बलिदान है जो हम पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई है। हालेलुया, ये तेरा क्रूस का बलिदान है प्रभु यीशु, और इसके लिए अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर आकर हम कबूल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, और वही हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला, हमें शैतान के हाथों में से छुड़ाने वाला, शैतान के पावर्स के साथ फाइट करते हुए हमें जीत दिलाने वाला एकमात्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, मृत्यु के पार हमको लेकर आया है, धन्यवाद हमने जीवन में प्रवेश कर चुका है, हमारा शरीर प्राण आत्मा जीवन में प्रवेश कर चुका है, इसको फुल स्टॉप कोई लगा नहीं पाएगा खुदा, इसके ऊपर कोई रोकथाम लगा नहीं पाएगा खुदा, इसके दायरे कोई अपनी ताकत और अक्ल से बना नहीं पाएगा खुदा। आई थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हमारे हाथों में से चंगाइयों की सामर्थ बहती है, हमारे पैरों में से सुसमाचार के शांति के जूते काम करने लगे हैं, हमारे कमर बंद जो परमेश्वर के वचन से है, सच्चाई से है, वो जीवित काम कर रहे हैं खुदा। अब फादर गॉड, वो जीवित हो उठे हैं खुदा, मेरे खुदा, हमारे शरीर में हमारा विश्वास का ढाल
मेरे खुदा शत्रु का सारा जलता हुआ तीर बुझाने लगा है। हम धन्यवाद करते हैं, उद्धार का टोप हमें स्थिर रख रहा है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धार्मिकता का झीलम हमें अपनी रखवाली करने के लिए काम कर रहा है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद, आत्मा की तलवार चलने लगी है। थैंक यू आबा फादर गॉड, तेरे आत्मा का काम यहाँ बढ़ने लगा है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, ये पृथ्वी की ये जगह तूने चुन ली है कि इसके ऊपर हम राज्य करें। रबांत आश्कर खतीन रब अकसे ओदानमा खसिल रब अकसे, इस जगह, इस जमीन, इस एड्रेस को तूने चुन लिया है खुदा कि यहाँ पर तेरा डेरा लग जाए। नासरी यीशु के नाम में यहाँ पर तेरा डेरा लग जाए। नासरी यीशु के नाम में यहाँ पर तेरा डेरा लग जाए। नासरी यीशु के नाम में यहाँ पर तेरा डेरा लग जाए। धन्यवाद मेरे यीशु मसीहा, यहाँ पर तेरा डेरा लग जाए। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर, यहाँ पर तेरा डेरा लग जाए। हर एक जो प्रार्थना में शामिल है खुदा, उसके जीवन में जो पिता ये समर्पण है खुदा कि वो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है और शत्रु उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, आज पिता ये प्रार्थना उसके जीवन के लिए भी काम करने दे। अबा फादर गॉड, ये डेरा तेरा बन जाए खुदा, ये तेरा डेरा बन जाए यीशु। रबांत आश्कर खतीन रब अखसे हिकतकिन बा असेल रब अखसा दरे बेखतीन रबा अखसिया खुबर रखा सियान तुखम बा असेल रब अखसा दुरा बखतीन रबा अखतीन रब हो हुदान न महाखसा लरे बेगदिगन मरिकल रब अखसे। जो मेरे लिए है तूने मुझे दिया, जो दूसरों के लिए है वो तू दूसरों को दे दे खुदा। नासरी यीशु के नाम में खुदा बिनती करती हूँ, जिसके लिए जो कुछ रखा है तूने इस प्रार्थना के अंदर से देने के लिए, तो उसको दे दे। मैं तुझसे बिनती करती हूँ नासरी यीशु के नाम में, उनके जीवन के अंदर ये प्रार्थना फलदायी हो जाए खुदा। रिदाना मखल रब अखासी हिकती न रब हाखासा, हर एक के ऊपर अलग अलग कॉलिंग से खुदा, बुलाहट है खुदा, वो अपनी अपनी जगह में इस प्रार्थना के अंदर से अपने लिए जो रखा हुआ है, जो धन परमेश्वर का इसके अंदर से रखा हुआ वो प्राप्त कर ले खुदा। रिदाना मखल रब अखासी हिकती न रब हाखासा, विश्वास दे खुदा उन लोगों को इन प्रार्थनाओं के ऊपर से पिता अपने जीवन के अंदर भरपूरी प्राप्त करने का विश्वास दे उनके अंदर। रिदाला बखसे एकती नरब अखसी याकूब रहसा, नासरी यीशु के नाम में बिनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा तूने हमारा प्रार्थना बिनती सब कुछ सुन लिया और हमें उत्तर दे दिया। तेरा धन्यवाद करते हुए यीशु नाम से, नासरी यीशु नाम से ये बिनती प्रार्थना आराधना को तेरे सामने लाते हैं, कबूली को मनन को तेरे सामने लाते हैं, स्वीकार कर और ग्रहण कर, मांगते हैं सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हमारे रास्ते साफ करने के लिए धन्यवाद, हमको अगुवाई देने के लिए धन्यवाद, हमको बढ़ाने के लिए धन्यवाद। ये खुशखबर तूने हमको दी इसके लिए धन्यवाद, ये खुशखबर हमको दी इसके लिए धन्यवाद। हम कभी मिटने वालों में नहीं है इसके लिए धन्यवाद, हमें मिटाने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं इसके लिए धन्यवाद, हमको ढूंढने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं तुझे धन्यवाद, हमारा पीछा करने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं तेरा धन्यवाद, हमारे प्राण के खोजी तेरे उद्धार में आ रहे हैं तेरा धन्यवाद, हमसे नफरत करने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं तेरा धन्यवाद, हमारी घृणा करने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं तेरा धन्यवाद, हमें तुच्छ जानने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं तेरा धन्यवाद, हमें अविश्वास योग्य मानने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं तुझे धन्यवाद, हमको पागल कहने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं तेरा धन्यवाद, हमें स्किजोफ्रेनिक कहने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं तेरा धन्यवाद, हमको वेश्या कहने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं तेरा धन्यवाद, हमें बदचलन कहने वाले, बदतमीज कहने वाले
हमारे जीवन को गंदे नामों के साथ जानने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे बदन को सताने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। हमारे ब्रेन, हमारे माइंड को कंफ्यूज करने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं, तेरा धन्यवाद। थैंक यू फादर गॉड। हमारे फाइनेंस को फेल करने वाले, रिश्तों को तोड़ने और बिगाड़ने वाले और गंदे रिश्तों के साथ जोड़ने वाले अब तेरे उद्धार में आ रहे हैं, तेरा धन्यवाद। हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा करके प्लान प्लॉट्स करके हमें सताने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। न बल से न ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा तू हमको चला रहा है, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें निंदा करने वाले, हमें बदनाम करने वाले तेरे उद्धार में आ रहे, तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हमको भली वस्तुएं ना मिलने की मनोकामनाओं से काम करने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं, तेरा धन्यवाद करती हूँ। हमसे जलन करके हमारी चीज़ों की हानि करने वाले तेरे उद्धार में आ रहे हैं। थैंक यू जीसस, तूने हमें रिस्टोर किया, तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा, थैंक यू नासरी यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।